लोकसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान में 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे, जिसके लिए कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है। यहां तक कि सुलुंबर सीट के लिए एक कमेटी भी बना दी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने के लिए सोमवार को सुलुंबर के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि क्षेत्र के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ सीधी बातचीत की जाएगी और जमीनी स्तर पर संगठन का मतदाताओं से संवाद और जुड़ाव के लिए कार्य योजना बनाकर विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। सुलुंबर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में पार्टी संगठन की मजबूती और क्षेत्र में जमीनी स्तर तक सक्रियता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने सुलुंबर विधानसभा क्षेत्र के लिए वरिष्ठ कांग्रेस जनों की 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। स्वर्णिम चतुर्वेदी ने आगे बताया कि सुलुंबर विधानसभा क्षेत्र के लिए गठित समिति में विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी, उदयपुर से रहे लोकसभा प्रत्याशी ताराचंद मीणा और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा को शामिल किया गया है। बताते चले, सुलुंबर सीट से विधायक अमृतलाल मीणा का हाल ही में निधन हुआ है, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।